जाने क्या है वो मामला जिसमें परवेज मुशर्रफ को सुनाई गई सजाए मौत। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि हर रोज देश विदेश की जानकारी मिलती रहे। दरअसल पाकिस्तान की शीर्ष अदालत द्वारा गठित एक विशेष पीठ जिसमें पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकाहर अहमद सेठ और अकबर और सिंध उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शाइब करीम शामिल थे, उन्होंने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि परवेज मुशर्रफ ने 3 महीने तक मामले में शिकायतों का रिकॉर्ड, तर्कों और तथ्यों का विश्लेषण किया, जिसमें कहा गया है कि उसने मुशर्रफ को पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार उच्च राजद्रोह का दोषी पाया गया है। यह फैसला बहुमत के आधार पर लिया गया है। इसमें 3 जजों ने मुशर्रफ के खिलाफ फैसला सुनाया है। इससे पहले परवेज मुशर्रफ की राजद्रोह मामले पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर लाहौर हाईकोर्ट ने सोमवार को सरकार को नोटिस जारी किया था। मुशर्रफ ने याचिका में अनुरोध किया कि उनके खिलाफ लंबित सुनवाई और सभी कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित किया जाए, क्यों लगा राजद्रोह का मामला। डॉन की चपेट में मुताबिक परवेज मुशर्रफ मार्च 2016 से दुबई में रह रहे हैं। मुशर्रफ संविधान को भंग करने और 2007 में आपात शासन लगाने के मामले में राजद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने साल 2007 में एक आदेश जारी किया था, तब सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति चुने जाने के लिए फिर से करवाए जा चुके चुनाव की वैधता पर फैसला आना था। मुशर्रफ ने इस फैसले के आने से पहले ही सेना प्रमुख के पद पर रहते हुए पाकिस्तान में राष्ट्रपति शासन लागू करने का फैसला ले लिया, तब वे सेना प्रमुख थे। मुशर्रफ को इसी मामले में 31 मार्च 2014 को दोषी ठहराया गया था। 76 साल के मुशर्रफ उपचार के लिए मात्र 2016 में दुबई गए थे और तब से सुरक्षा और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर नहीं लौटे हैं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।